भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इसी उपलक्ष्य में रेवाड़ी पहुंचे मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शहर के प्रमुख गढ़ी बोलनी चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 350 किलोग्राम कांस्य निर्मित भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमारी जिंदगी में अहम योगदान रहा है। संविधान निर्माता के रूप में उन्होंने देश के लिए जो अमूल्य योगदान दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आज हमें बोलने की जो आजादी व अधिकार मिला है वह भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान की वजह से ही संभव हो सका है। उनकी जयंती पर आज रेवाड़ी में स्थापित कराई गई यह भव्य प्रतिमा यहां से गुजरने वाले युवा पीढ़ी को न केवल प्रेरणा देने का काम करेगी बल्कि इस देश को और अधिक उन्नत एवं विकासशील बनाने के लिए प्रेरणा भी बनेगी। वहीं दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जारी किसान आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के मुताबिक हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और यही वजह है कि जब तक दिल्ली के दोनों बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान शांतिपूर्वक बैठकर धरना दे रहे थे तो सरकार ने भी उन्हें बैठने की इजाजत दी, लेकिन अगर कोई व्यवस्था को खराब करने या बाधा डालने का काम करेगा तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि अभी हरियाणा में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है, पड़ोसी राज्यों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू जरूर लगाया गया है। पहली से आठवीं कक्षा तक स्कूल बंद होने के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सैनिक स्कूल कुंजपुरा में एक साथ 160 बच्चे कोरोना संक्रमित के बाद सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। रही बात बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की तो इस पर भी विचार किया जा रहा है, इसे ग्रीष्म काल में होने वाली छुट्टियों में बदला जा सकता है। स्कूल संचालकों द्वारा इस फैसले का विरोध करने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूल संचालकों को भी इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। ऐसे में कोई भी स्कूल संचालक अगर इस नियम को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। भीमराव अंबेडकर जी का हम सब की जिंदगी में एक अहम योगदान रहा, इस देश के संविधान के निर्माता के तौर पर जिस प्रकार से इस देश को एक दिशा और दृष्टि देने का काम उन्होंने किया वो अनमूल्य है, हम उसे कभी भूल नहीं सकते। और आज उन्हीं की याद में रेवाड़ी के अंदर जो भव्य मास्य उनका स्टैचू लगाया है, मुझे लगता है ये स्टैचू भी आने वाली पीढ़ियों को भी निरंतर यहाँ से आते जाते ये प्रेरणा और दिशा देता रहेगा कि उनके दिखाए हुए नक्शे कदम पर इस देश के संविधान के प्रति अपने आप को समर्पित करके इस देश की डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। मेरा तो स्वयं ये मानना है कि वो उन चंद लोगों में से रहे हैं जिनने पार्लियामेंट के अंदर केवल मात्र पार्लियामेंट्रियन के तौर पर नहीं एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम किया और आज भी हम सब के जीवन में जो ये लिबर्टी है, ये आज़ादी है, ये बात करने का, बात रखने का जो एक अधिकार मिला है, ये जो फ्रीडम्स मिली, मुझे लगता है कि अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी उस समय उस पूरी टीम को इतने संयुक्त तौर पर संविधान बनाने के लिए ना लेकर चल तो शायद आज ये संभव ना हो। दुनिया में बहुत डेमोक्रेसी बनी है, महाराज 130 करोड़ की आबादी वाले देश को एक संविधान बांध कर रखता है ये बाबा भीमराव अंबेडकर। आज किसान जो आंदोलन कर रहे हैं आज भी काले झंडे दिखाने का प्रयास किया लेकिन उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर ले गया। क्या बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये अधिकार दिया कि सब आदमी पीसफुली अपनी बात रख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आज उसका नतीजा है कि आज हरियाणा प्रदेश के दिल्ली के साथ लगते हुए दो बॉर्डर्स पर हजारों लोग आकर बैठे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो सरकार ने भी उनको अधिकार दिए। कोई व्यवस्था खराब करने का काम करे, बाधा डालने का काम करे तो जरूर सरकार शक्ति के साथ उठे। लोगों में थोड़ा डर बना हुआ है, लोग पलायन करने लगे हैं। एक चीज जरूर स्पष्ट आपको कह सकता हूँ कि प्रदेश में ना तो लॉकडाउन वाली कोई स्थिति आज है ना आने वाले समय में। नाइट कर्फ्यू जो कि हमारे साथ लगते हुए तमाम प्रदेशों ने लगाया, उन्हीं के आग्रह पर हमने लगाया है कि इंटर
डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट या इंटर स्टेट मूवमेंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। एहतियातन तौर पर हमने टेस्टिंग भी बढ़ाई, मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रदेश में हमने और बेहतर करने का काम किया है। और मैं ये मानता हूँ कि एक ये सेकेंड वेव का जो स्पाइक है, केवल मात्र हरियाणा ही नहीं तो बहुत कंट्रोल्ड एरिया में है, 4000 केसेज आए। आज हम महाराष्ट्र देखते हैं 60,000 क्रॉस कर चुका, दिल्ली 12,000 क्रॉस कर चुका। हमारे पास तमाम व्यवस्था है और हम उम्मीद करते हैं कि जो 4 दिन देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की एक बड़ी मात्रा में टीकाकरण हुआ है, उसके बाद इस स्पाइक को, इस वेव को हम तोड़ पाएंगे और व्यवस्था को बेहतर। सर, पहली से आठवीं तक क्लासों पर रोक लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद क्लास लगाए जा रहे, पर अभी संचालक उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे पास एक केस आया था सैनिक स्कूल कुंजपुरा का, जिसमें 160 बच्चे कोरोना इफेक्टिव पाए। उसके बाद ये निर्णय सरकार ने लिया कि इस तरीके से यंग जनरेशन में जो ये सेकेंड वेव आई है इसको रोका जाए। हमारा ये प्रयास है कि आने वाले भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ी तो जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं मई, उसको इस पीरियड के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। पर मैं आग्रह करूँगा तमाम स्कूल संचालकों से कि आप बच्चों के भविष्य के साथ जितनी गंभीरता से कार्य करते हैं उतनी गंभीरता से उनकी सेहत के बारे में भी सोचें। क्या कार्रवाई की जाएगी सरकार में लापरवाही? अगर कोई फॉलो नहीं करेगा कोई गाइडलाइंस को तो जरूर कर। सर, डिप्टी साहब, मंत्रिमंडल का विस्तार होने कुछ बोलेंगे जनाब? ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।